असलम स्टूडेंट्स इस सेशन में हम जिस मॉडल पर बात करेंगे वो है फी फॉर सर्विस मॉडल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे फिगर इस दफ़ा इसमें सिर्फ दो कंपोनेंट्स हैं एक सोशल एंटरप्राइज और दूसरा टारगेट पॉपुलेशन मार्केट मिसिंग है क्योंकि टारगेट पॉपुलेशन ही मार्केट है एक लिहाज से आप कह सकते हैं अदरवाइज जो आप कंपटिव मार्केट जो पहले Uh, सारे मॉडल्स में शामिल रही है वो इसमें नहीं है सोशल एंटरप्राइज का मिशन जो है वो सर्विस सोशल सर्विसेज फ्राहम करना है लेकिन वो उन सर्विसेज के लिए अपने क्लाइंट से चार्ज करता है फी चार्ज करता है वो क्लाइंट्स जो हैं वो इंडिविजुअल ग्रुप्स कम्युनिटीज़, जिनकी सोशल सर्विसेज की नीड्स हैं हो सकती हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी पेयर हो सकता है क्योंकि आप सोच रहे होंगे सोशल सर्विसेज जैसे हेल्थ एजुकेशन और इस तरह की जो ज़रूरियात हैं उनके लिए बहुत सारे लोगों के पास पे करने के लिए फीस नहीं है और वो वो सर्विस अवेल नहीं करते तो फिर व्हाट इज़ सोशल इन द नेचर ऑफ दिस मॉडल सोशल एंटरप्राइज एक मिशन लेके चलता है कि उसको ये सर्विस फ्राहम करनी है लेकिन ज़ाहिर है उस सर्विस की फ्राहमी में उसे कुछ ख़र्चा करना होता है उसकी प्रोडक्शन में उसकी डिलीवरी में तो वो खर्चा उसने कहाँ से निकालना है वो उस सर्विस को फी एक चार्ज करके निकालता है लेकिन तमाम पॉपुलेशंस जो हैं वो फ़ी पे नहीं कर सकती ऐसी सूरत में कोई थर्ड पार्टी जो है वो उस सर्विस को या तो परचेज कर लेती है या फिर क्लाइंट के बिहाफ़ पे पेमेंट कर देती है उसकी मिसाल हम दे सकते हैं कि जैसे क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे कुछ इंश्योरेंस कंपनीज़ या फिलनथ्रापिस जो हैं वो या कोई ट्रस्ट होते हैं उनके ज़रिए से डिजर्विंग पेशेंट्स जिन्हें हम कहते हैं जो वैसे हेल्थ सर्विस के लिए फ़ी पे नहीं कर सकते एक ख़ास शेयर होता है कि ऐसे लोगों को वो उस ट्रस्ट में से या उस इंश्योरेंस में से वो फ़ी पे कर दी जाएगी और ये लोग उस सर्विस को अवेल कर सकेंगे जो फी पे की जाएगी वो सोशल एंटरप्राइज एंटर्प्रा, को इनकम के तौर पर जाएगी और उस इनकम में से वो अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट और सर्विस डिलीवरी की उसकी प्रोडक्शन और डिलीवरी दोनों के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो इसमें से निकालेगा अगर कोई सरप्लस अगर होता है अगर सोशल एंटरप्राइज को फीफा सर्विस के ज़रिए से कुछ सरप्लस निकलता है कोई प्रॉफिट होता है तो उसको सोशल एंटरप्राइज जो है वो दोनों सूरतों में इस्तेमाल कर सकता है एक बिजनेस को बढ़ाने के लिए यानी ज़्यादा सर्विसेज़ प्रोवाइड करने के लिए या दूसरी तरफ कुछ क्लाइंट्स को सब्सिडाइज करने के लिए या फ्री सर्विस करने के लिए वो क्लाइंट्स जो किसी ट्रस्ट किसी वजह से किसी ट्रस्ट किसी इंश्योरेंस कंपनी या किसी ऐसे थर्ड पार्टी को अप्रोच ना कर सकते हों जो उनके पार्ट पे पे कर सके ऐसे में अगर सोशल एंटरप्राइज जो है उसके पास सरप्लस है अमाउंट तो वो फिर उस क्लाइंट को सब्सिडाइज या फ्री सर्विस फ्राहम करता है फीफा सर्विस मॉडल जो है इसकी सस्टेनेबिलिटी और इसकी स्केलेबिलिटी दोनों जो हैं वो सर्विस की नोयत और क्लाइंटेल जो है उस पर डिपेंड करता है बात सर्विसेज ऐसी हैं जो वाइटल आप कह सकते हैं या बेसिक नीड्स उन्हें कह सकते हैं वो होती हैं उन लोगों को ज़रूर चाहिए होती हैं उसके लिए वो फी पे करने को तैयार होते हैं जैसे हेल्थ सर्विस है अगर उनको अच्छी सर्विस एक मुनासिब रेट पर मिल रही हो तो वो उसके लिए जाहिर है बाज़ अकात लाइफ सेविंग सिचुएशंस होती हैं बाज़ात ऐसी बीमारियां होती हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ जो है उसको नहीं चलने देती तो ऐसी सूरत में इलाज ज़रूरी है तो वो फ़ी फॉर सर्विस पे करते हैं एक तो नेचर ऑफ़ सर्विस है जिसकी वजह से वो सस्टेन करती हैं ऐसी एंटरप्राइज़ कि वो सर्विस लोगों को चाहिए जब तक कोई सर्विस कोई भी फ़राहम कर रहा है और अगर वो एक मुनासिब फ़ी में फ्राह्म कर रहा है तो वो उसको ज़रूर अवेल करते हैं दूसरे सर्विस की नेचर के अलावा पॉपुलेशन जो है जो टारगेट पॉपुलेशन है वो आ जाती है कि वहाँ पर पहले उस तरह की सर्विस क्या किसी और जरिए से अवेलेबल है क्या वो कहीं और वो सर्विस एक्सेस कर सकते हैं कम फी पर या फ्री या किसी और तरह से अगर नहीं तो जाहिर है उस पॉपुलेशन ने फिर उसी सर्विस को अवेल करना है जब ये सर्विस सोशल सर्विसेज जो हैं वो अवेल की जाती हैं तो उससे जो इनकम एक रेगुलर आती है उससे वो अपने आप को सस्टेन करते हैं और अपने आप को बढ़ाते हैं यानी एकनॉमीज़ ऑफ़ स्केल अचीव करते हैं वैसे भी ज़्यादातर फील्ड्स जिन में ये मॉडल इस्तेमाल किया जाता है उनमें इकोनॉमीज ऑफ़ स्केल जो हैं वो इफ़ेक्टिव प्रूफ हुई हैं जैसे अगर आप ज़्यादा बच्चों को एक बड़े पैमाने पर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाएंगे और उसको करेंगे तो उस पर कम खर्चा आएगा और उसका सोशल इम्पेक्ट ज़्यादा होगा बनस्बत इसके कि आप एक छोटा सा एक्सक्लूसिव स्कूल चंद बच्चों के लिए बना दें और उस पर कोई हाई फीस आप चार्ज कर रहे हों। फी फॉर सर्विस मॉडल जो है उसको चलाने के लिए एक स्ट्रेंथ ये है कि ख़ास तौर पर अगर नॉट फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज है तो उसको वो इनोवेटिव नए आइडियाज़ ला के बिजनेस स्टेबलिश करने उसको चलाने के लिए कोई मॉडल नहीं सोचना पड़ता बिज़नेस स्किल्स और टेक्निक्स नहीं सीखना पड़ती बल्कि कोई भी जो मॉडल जैसे हेल्थ में जो मॉडल पहले इफेक्टिव साबित हुए हैं या एजुकेशन में जो मॉडल्स पहले इफेक्टिव साबित हुए हैं वो उन मॉडल्स को लेके अपना बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं या उनमें से किसी बिजनेस जो पहले से इस्टेबलिश है उसको टेकअप कर सकते हैं तो जो बिज़नेस का एलिमेंट है वो एक तरह से सेकेंडरी हो जाता है मिशन की नस्बत मकसद सर्विस फ्राहम करना है एक मुनासिब फी के साथ उसको खा वो कोई बिज़नेस जो ऑलरेडी चल रहा है उसको टेकअप कर लें खा कोई मॉडल पहले से मौजूद है उस पर इस्टेब्लिश कर लें या अगर कोई इनोवेशन वो ला सकते हैं तो ले आएं अदरवाइज उसमें बिज़नेस की खास स्किल्स सीखने की एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स सीखने की बिज़नेस डेवलपमेंट और मैनेजमेंट सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो कि एक तरह से नॉट फॉर प्रॉफिट्स का कमज़ोर एरिया है फ़ी फॉर सर्विस Uh, जो फील्ड्स हैं फी फॉर सर्विस मॉडल की उसमें म्यूज़ियम्स टिपिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हेल्थ सेक्टर का हमने पहले जिक्र कर दिया इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वहाँ पे फी फॉर सर्विस आम तौर पर यह मॉडल अप्लाई किया जाता है थैंक यू